ओम शांति भाई कल जो आपने नष्ट मोह स्मृति लब्धा स्थिति के बारे में आपने जो क्लास कराया उसके बारे में एक प्रश्न आया कि बच्चों को सेटल करने के लिए एक माँ के नाते कितना अपने फर्ज निभाना है उसका कुछ लिमिट है क्या मतलब मोह और जिम्मेवारी के बीच में कुछ वो जो है मोह मोह अलग चीज है लेकिन जो कर्तव्य आपको करना है उसको मोह से न जोड़े कर्तव्य अलग है वो जितना आपको करना है उतना करो लेकिन कईयों के साथ ऐसा होता है कि बच्चों को सेटल करने के लिए वो जीवन के अंतिम श्वास तक लगी रहती हैं बच्चे सेट होते नहीं तो शुरुआत कर दो स्टार्टअप प्रधानमंत्री ने शुरू किया ना स्टार्टअप फिर उनको मेहनत करने दो मोह से इसको जोड़ो नहीं मोह होता है पूरा जीवन चलाते रहना फिर उन्हीं का चिंतन उन्हीं के बारे में चिंताएं वो थोड़ा सा ठीक करना अपने को दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न है भाई साहब पुण्य का खाता जल्दी जल्दी बढ़ाने के लिए क्या करे वाह <laughs> कितना जल्दी बढ़ाना चाहते हैं? एक साल में पुण्य बढ़ता है श्रेष्ठ कर्मों से ज्ञान देने से योग लगाने से दूसरों को सुख देने से जितना ज्यादा करें कर लो जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा मन से भी किसी को दुख न दें। कटता कहाँ है बोल से दुख देते हैं व्यवहार से दुख देते हैं मैं देखता आता हूँ कि बहुत लोग ब्राह्मण परिवार में भी दुनिया में तो हैं ही व्यवहार की कला नहीं जानते इसलिए सुख को भी दुख में बदल देते हैं पुण्य भी पाप में बदल जाता है और सारे कार्य मैं और मेरे से मुक्त होकर करेंगे तो पुण्य बहुत ज्यादा जमा होगा बाबा की मुरलियों में सुन लिया सभी ने बच्चे सोचते हमारा खाता बहुत जमा है पर उतना है नहीं बहुत कम जमा है क्योंकि मैं पन से कार्य होते हैं प्रश्न है योग के प्रयोग और सफलता के ऊपर एक बहन योग पावरफुल भी करती है स्थान खरीदने का संकल्प पूरा तो हुआ परंतु बनाने के लिए धन सहयोग नहीं मिल रहा है रुक गया है क्या करें सेंटर की बात है ना जी योग शुरू रखें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सफलता मेरा जन्मशील अधिकार है और कई बहनों ने कई सेंटर एक छोटी सी प्रैक्टिस से बना लिए सवेरे चार बजे बाबा को भोग लगाना बहुत गुड और ग्रेट रिजल्ट रहे हैं इसके इसे ये विधि भी अपनाएं साहब कभी कभी फिर कई बहनों का ये भी आता है भाई भाई भाई, 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 भाई बहनों का भी भोग तो लगाते हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं मिला इसलिए हम भोग लगाना बंद कर दिया <laughs> तो खुद को भोजन नहीं मिला भगवान को तो खिलाओ मतलब रोज भोग लगा रहे हैं लेकिन स्पेशल जो अमृत वेला भोग लगाना उसकी बात है वो थोड़ा भारी लगता है बहनों को जल्दी उठना पड़ता है नहा धो के कुछ बनाएंगे ठीक है छह बजे लगा दिया करो सवेरे भारी लगे नाश्ता प्रभु जी छह बजे भी कर लेंगे कोई बात नहीं लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कुछ नहीं मिल रहा है धन नहीं आ रहा है उसके पीछे रुकावट और भी हो सकती हैं उन्हें भी ठीक से समझ के दूर करना चाहिए अब वो मैं यहाँ नहीं बोलूंगा क्या रुकावट है क्योंकि ये टीचर बहनों की बात है <laughs> भाई बहनों का भी बोले भाई सब भाई बहनों का भी थक गए हैं पुण्य कर्म अच्छे न हो हमारा कर्मों का खाता बिगड़ा हुआ हो हमने जीवन में लोगों की दुआएं कम ली हो तो भी घन बहुत आते। ओके okay. तो आप सबको तो मतलब भाई साहब के कह रहे हैं कि फल की इच्छा से भोग लगाना नहीं लगाना इसके ऊपर नहीं रहना कंटिन्यू करते रहे काम भाव से लगाते रहो तो प्रभु जी को इतने दिन नाश्ता खिलाया है तो अभी छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा उसको खिलाते ही रहो वो कुछ रिटर्न दे या न दे। देता है हो ही नहीं सकता कि ना देता हो ये तो मैं ऐसे ही बोला देता है कहीं कहीं मनुष्य की परीक्षा भी हो जाती है ना भाई जी मुरली सुनते पढ़ते और याद में रहते समय नींद आ जाता है प्लीज सजेस्ट सॉल्यूशन तो कब नहीं आता सारे अच्छे कामों में तो नींद आती है रात को ठीक से सो लिया करो मुरली के समय ज्यादा पॉइंट लिखो ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन तक तो ब्रेन फ्रेश रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम दस मिनट रोज कर लो लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा बाबा की मुरलियों से ही है जिसके ब्रेन पर सूक्ष्म पाप कर्मों का दबाव है उन्हें अच्छे कार्यों के समय नींद आ जाती है पुण्य का खाता बढ़ाएंगे पुण्य का खाता बढ़ाना है वैसा नेक्स्ट प्रश्न है संघ के दोष के बारे में दो प्रश्न हैं संघ के दोष से कैसे बच कर के रहे यहाँ बाबा के घर में बहुत खुशी होती है पर बाहर ऑफिस में जाते हैं वहाँ इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें ज्ञान धारणा मुश्किल लगता है और दूसरा प्रश्न है इसी संबंध में भाई बहन की आपस में दृष्टि कैसे रखे संगदोष से कैसे बचे अट्रैक्शन के वाइब्रेशन सामने आ रहे हैं तो स्वयं को कैसे सेफ रखे रूपेश भाई क्लास करा देगा एक घंटा चाहिए इसके लिए है रूपेश एक ही अभ्यास मेरी ओर से कुछ भी अच्छे समान ले लो अपने ऑफिस में उनका अच्छा अच्छा माना अनेक बार अभ्यास कर लो आपके वाइब्रेशंस फैलेंगे दूसरों के आपको नहीं आएंगे चाहे अट्रैक्शन की बात हो या कुछ भी हो स्वमान से सभी हमारे गुड फ्रेंड बन जाते हैं बाकी दृष्टि तो आत्मा की बनानी है उस वो प्रैक्टिस की चीज है सवेरे थोड़ा सी प्रैक्टिस कर लो ये नहीं लोग सामने हो तभी आत्मा देखो चिंतन करो संसार में सभी आत्माएं हैं अपना अपना पाठ बजा रही हैं बाबा को संगी बना लो तो बुरे संगी आप ही अलग हो जाए ये तो अपने ऊपर होता है हम किसके संग में रहते हैं किसके में नहीं रहते हम बाह्य मुखी होंगे तो बाह्य मुखी लोगों के संग में चले जाएंगे तो हम अपना संग खुद चुनते हैं चुने लेकिन संघ हमें मिला है भगवान का मुरली का उसके ज्ञान का इस पे ध्यान देंगे तो हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को सुधारेंगे उनके बिगड़े हुए वाइब्रेशंस हमें नहीं बिगाड़ेंगे अगला प्रश्न है आजकल के नवयुवक लक्ष्य विहीन है जीवन में कोई उमंग उत्साह नहीं है कुछ करने का मन नहीं है स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट नहीं है बस जैसे तैसे जॉब कर रहे हैं पर भविष्य में क्या चाहिए क्या करना है नहीं पता है और कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है उन्हें कैसे दिशा दिखाई जा सकती है उनके स्थिति में डिप्रेशन की ओर बढ़ने का संकेत है ये कलयुग का भारी इफेक्ट उन पर हो रहा है इसलिए भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान उनका जीवन अच्छा हो जाए वो खुश रहने लगे थोड़ी उमंग हो जाए आप उनके लिए आधा घंटा रोज योग करेंगे क्योंकि ये युवकों का हाल संसार में बिगड़ता जा रहा है मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं युवक वो तो इससे नहीं बचेंगे अब आपको योगदान देकर उनकी मदद करनी होगी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं उनका भविष्य क्या होगा भविष्य तो सबको स्वर्ग की ओर ले जाने वाला है जी भाई साहब भाई साहब एक प्रश्न आया है कि हमारे सेंटर में सब कुछ हम करते हैं दिनचर्या सब ठीक है योग भी करते हैं लेकिन फिर भी सेवा उतनी नहीं हो रही है भाई बहने भी बढ़ नहीं रहे हैं क्या कारण है देखिए ये भी एक गु प्रश्न है एक तो हमें ज्ञान देने का तरीका आना चाहिए समझते मेरी इस बात को एक बहन ने कहा टीचर की क्लास थी भाई जी व्यक्ति एक दिन क्लास करान करने आता है सेवन डेज को और दूसरे दिन आते ही नहीं पास वाली बहन ने फट से बोला ये डेढ़ घंटा क्लास कराती है मैंने कहा तो बस यही उत्तर है अब डेढ़ घंटा क्लास अभी सुनने वाले की भी तो ताकत चाहिए मैं तो कहता हूं आत्मज्ञान आधा घंटा बस उसे होमवर्क सिखाओ अच्छे संकल्प अब इस कोर्स को डिजिटल करो वाइब्रेशंस अच्छे पैदा करो अपने सेंटर में और जो आ रहे हैं उनको अनुभव कराना है ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए आजकल लोग आ रहे हैं समस्याएं लेकर उन्हें रियलाइज होना चाहिए यहीं से हमारी समस्याओं का हल मिलेगा तो वो आएंगे तो ये निमित्त आत्माओं के ऊपर है उनकी मनोस्थिति कैसी है और बता दो प्योरिटी कितनी है योग कितना है उनमें रूहानी आकर्षण कितना है सेवा वृद्धि के आधार यही सब है अगला प्रश्न है आ, कि भाई जी पितृपक्ष कहते हैं भोग लगाते हैं अपने पितरों को या फिर रैंड को तो इसकी रास बताइए उनको हम कैसे योगदान दे सक देना वो सब क्या है हम ही पूर्वज हैं हैं या नहीं आप पूर्वज की स्मृति में रहकर मैं कल्प वृक्ष का आधार हूँ इस स्मृति में रहकर योग लगाए तो अनेक आत्माओं को योग के वाइब्रेशंस पहुंच जाएंगे हो सकता है हमारा कोई पित्र हमसे अधिक सुखी हो उस वही हमें वाइब्रेशंस दे रहा हो हो सकता है आपका कोई पित्र यहीं बैठा हो इसलिए ज्यादा सोच विचार में जाने की जरूरत नहीं तो भाई सब मतलब भोग लगाते हैं ना अपने पितरों को मेरे नानी के लिए भोग मेरे इनके लिए भोग तो उनको वो वो वाइब्रेशन होता है वाइब्रेशंस और थोड़े पुण्य हल्के से उन तक पहुंचते हैं प्यार की फीलिंग पहुंचती है लेकिन ये सब इफेक्ट वो क्षणिक है ना असली इफेक्ट हमारे योग अभ्यास से होगा पर परंपरा है भक्ति में इसलिए लगा देना चाहिए नहीं तो आप कोई संकल्प रहेगा हमारे पितर नाराज ना हो जाए वो चाहे खुश हो बेचारे लेकिन एक संकल्प ही परेशानी का कारण बन जाएगा अगला प्रश्न है भाई साहब हम डेरी से आए हैं तो तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए क्या करें आपका प्रश्न तो ऐसा है कि सावतारी रामायण सुन के पूछा सीता की माँ का नाम क्या था वो किसी को पता नहीं होगा सुलोचना क्या था सुधक सेना कुछ था इसलिए ये सारी जो क्लासेज आपने सुनी ये वही तो है। प्लान बनाओ करो दुनिया वाले लोग कहते हैं कि आप लोग भी देहधारी यानी ब्रह्मा बाबा से शक्तियां लेते हो या ज्ञान लेते हो हमारे भी देहधारी बाबा है उनको हम मानते हैं तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? हम ब्रह्मा बाबा से लेते ही नहीं यही तो समझाना उन्होंने पूछ लिया तो आप समझाओ कि हमसे बाबा से ही योग लगाते हैं उससे ही सब कुछ लेते हैं उनके तन में बाबा आए थे लेकिन योग लगाना याद करना उनको नहीं ज्ञान उनका नहीं है ज्ञान उसका है ये तो अच्छा मौका है उन्हें समझाने का नहीं। पढ़ु ये प्रश्न <laughs> एक सेंटर से दूसरे सेंटर को भट्टी या क्लास अटेंड कर सकते हैं क्या हम एक सेंटर जाते हैं आप ही उत्तर दे दो <laughs> क्योंकि हमारे उत्तर थोड़ा ओपन होते हैं देखो सेंटर तो सब बाबा के हैं। कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है दूसरी दीदी नाराज हो जाएगी आप नहीं होती होंगी पर कोई हो जाएगी फिर उसको परेशानी हो जाएगी और हर व्यक्ति अच्छी से अच्छी बात जानना अच्छा गाइड मिले अच्छे वाइब्रेशंस मिले ये तो चाहता ही है ना अगर किसी के सेंटर में जाके उसे डांट ही मिले रोज तो वो सोचेगा ना किसी और पे चलो भाई जहाँ सुख मिले जाके तो ये बहनों की छोट छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूंगा ओपन माइंड और फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारे पास जो प्रश्न आया वो पूरा हो गया अभी आपसे आप, आप लोग जो डायरेक्ट भाई साहब से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते मैं तो ये सोच रहा था कि सबने बहुत सुन लिया अभी इन्हें मौका दिया जाए अपना प्लान बनाए और लास्ट आने वाले फास्ट जाने का विचार करें अच्छी तरह क्या क्या करें अच्छे से अच्छा ठीक है बहुत सुन लिया मैं समझता हूँ समाप्त करेंगे मैं इस फेवर में नहीं होता बहुत सुनाया जाए सार गर्भित हो बोलो आप एक दो बोलो मैं मुझे तो याद नहीं तो यज्ञ अभी तो वो लहर नहीं ना मुझे याद क्या कहना था यज्ञ के बारे में कुछ कह रही थी बहन जी बाबा ने तो विशाल यज्ञ रचा है वही इसका मालिक है वही इसको वाइब्रेशंस देता है संसार को उसको महान बनाना है मैं जो अपनी ओर से आपको कह रहा हूँ उसी का कार्य है मुझे ऐसे बहुत सारे अनुभव हो गए कि रिमोट कंट्रोल ऊपर ही है सब कुछ ऊपर से हो रहा है नीचे वालों के हाथ में सचमुच कुछ भी नहीं है अनुभव की बात कर रहा हूँ मेरे पर्सनल अनुभव भी और जो यज्ञ कार्य होते हैं या कोई समस्या आती है जिसमें मैं कहीं लगा रहता हूँ इन्वॉल्व होता हूँ मुझे पता चलता है ये हमारे हाथ में नहीं होता ऊपर से कंट्रोल्ड है पीछे ही कोई बड़ी समस्या थी कोई टीवी पर यूट्यूब चैनल पर बुरा बुरा डाल रहे थे सब के लिए और हमारी दादियों को गालियां दे रहे थे और क्या क्या बुरा बोल रहे थे सुन नहीं सकता कोई उसे जो हमारे मैं माननीय न कह के पूजनीय कहूं जिनका हम भी बहुत सम्मान करते रहे जीवन भर उनको वो न जाने क्या क्या बोल रहे थे हमने भी दो चार से बात की किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था नो रिएक्शन करो आप ही बंद कर देंगे मैं क्या गाली जो दे रहे गाली भी छोटी मोटी नहीं एक होता था हमारे एंटी लोग हमारा विरोध करते थे ये कुछ और अति भयानक एक ऐसे व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति का कॉन्टैक्ट कराया हमारे वहां किसी को इंटरेस्ट नहीं था वो एक बड़े व्यक्ति को दिल्ली से लेकर आ गया उसने ऐसा काम कर दिया पंद्रह मिनट में कि उनका चैनल भी समाप्त होने की कगार पे आ गया और मुझे विश्वास है वो भी जेल में रहेंगे मैं सोच रहा था अब मैं तो कुछ जानता ही नहीं इन बातों के बारे में सब काम ऊपर से यज्ञ रक्षक भी वही लेकिन किसी को निमित्त बनना ही पड़ता है ना एक बात बाबा साक्षी है सिखाता है पढ़ाता है बहुत मेहनत करता है हमसे फिर भी साक्षी रहता है क्योंकि उसे पता है क्या पता है? वो आपको पता है बताओ राज्य स्थापित हो रहा है राजधानी एक जन्म की नहीं सोच लो दो युगों की दो युगों के राजा महाराजा प्रजा साहूकार जाने कौन कौन होंगे इसलिए उसे पता है सभी हट की माला में नहीं आएंगे सभी विजयी रतन नहीं बनेंगे सबका अपना अपना अभ्यास होगा उसे पता है जो आज भी था कितनी बार उसने देखा है ये खेल मैं सोचा करता हूं शिव बाबा ने बिना सोते कितनी बार देखा होगा उसको क्या लगता है कुछ भी नहीं मेरे बच्चे मेरे पास आ गए बहुत दुखी थे आओ आओ नीचे वाले रो रहे वो कह रहा आओ बहुत अच्छा हुआ आओ. कहेगा है नहीं सुखी सब कुछ करते भी अपने परमानंद में साक्षी भाव में स्थित इसकी हम सबको भी बहुत जरूरत है मैं एक चीज सीखी थी जीवन में वही आपको बता देता हूं और उससे आपको हल्कापन बहुत रहेगा पर चिंतन से मुक्त हो जाएंगे एक आई वाला हमारे पास आया तब हमारा किचन छोटा ही होता था तब आई करने वाले बहुत कम वो डिप्टी डायरेक्टर था किसी बड़े डिपार्टमेंट का आया तो किचन में आ जाते थे हमसे मिलने ऐसे ही हमारे पास कुर्सियां भी नहीं होती थी हमने कहीं बैठा दिया ऐसे ही मैंने उससे पूछा भाई आप लोगों को क्या सिखाया जाता है कुछ मुझे भी सिखा दो दो चार बातें उसने मुझे दो बातें बताई कि देखो हम लोग टेंशन में नहीं रहते बड़े बड़े कार्य होते हैं। नो टेंशन कैसे कहा हमें ये सिखा दिया गया कि अगर तुम्हारे साथ दस लोग काम करते हैं तो दो ऐसे होंगे जिन्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं दे आर परफेक्ट दो ऐसे होंगे जिन्हें कुछ सिखाया ही नहीं जा सकता जैसे आए थे वैसे ही रहेंगे बाकी छह ऐसे होंगे जो आगे बढ़ना चाहेंगे जिनको सिखाया जा सकता छह को टाइम देना चार को देने की जरूरत नहीं कुछ लोग परफेक्ट हमारी कार्यों की जिम्मेदारी संभाल लेंगे कुछ लोग आगे बढ़ना चाहेंगे सीखना चाहेंगे बहुत अच्छी बात मैंने भी सीखी देखो एक क्लास में पचास स्टूडेंट हो लौकिक दो होंगे टॉप क्लास एक होता है पर मैं दो कह रहा हूं इक्वली टॉप आठ दस होंगे फर्स्ट क्लास पंद्रह बीस होंगे सेकंड क्लास दस पंद्रह होंगे थर्ड क्लास और पांच सात एक और क्लास है ना फेलियोर क्लास ये होगा ही अब फेल होने वाले कम होते हैं लेकिन ज्यादा भी हो गए हैं फोन आदि के कारण तो ये नेचुरल गति है संसार की हमारे संगठन में यदि 20 लोग हैं तो उनमें भी आप यही देखेंगे इसलिए साक्षी भाव की बहुत जरूरत है नेचुरल हमें समय लेना चाहिए संसार के खेल में अश्व टॉप मोस्ट बाप समान पहले 25 रतन माला के हाइएस्ट सोल्स इन दर्ल्ड 25 रतन बाबा के महावाक्य विजय माला के पहले पच्चीस रतन बहुत महान आत्माएं हैं उनके द्वारा ही जय जयकार का कार्य होगा केवल आठ के द्वारा नहीं पच पच्चीस के द्वारा फिर सो उसमें से आगे और एक हजार आठ तक बहुत अच्छी क्वालिटी की आत्माएं संसार में हैं। तो हमें चुनना है हमें किधर जाना है दूसरी बात उसने बताई थी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं करोड़ों के प्रोजेक्ट होते उन दिनों करोड़ बहुत होते थे काम ये समझ के चलते हैं, चलते हैं हैं इसको एक्सेप्ट करके पांच सात परसेंट तो वेस्ट होगा ही हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी है तो हमारे यहाँ तो पांच सात परसेंट ज्यादा होता था जब ये बात हो रही थी हमारे यज्ञ में तो अगर दस का भी खाना हमारा बच गया तो शिकायत होती थी दादी खाना बच रहा है फिर क्लास में बात की हमने भाई लोग अचानक आ जाते हैं अब तब फ़ोन का जमाना तो नहीं था कि फोन कर दो अचानक भी आ जाते हैं फिर दादी ने क्लास में ही छुट्टी दी पच्चीस का भोजन एक्स्ट्रा बनाना है बच जाए तो खिला देना नौकर आदि तो फ्लेक्सिबल ब्रॉड माइंडेड जो कुछ हो रहा है कुछ चीजों को कोई नहीं बदल सकता संसार में चाहे वो आपके बच्चों के लिए हो रहा है परिवार के लिए हो रहा है कर्मों का अंतिम खेल भी सृष्टि पर चल रहा है ये वो समय आ गया है मैंने कई बार सुनाई है ये बात बहुतों को नहीं पता इसका बाबा ने कहा जब अंतिम समय आएगा सभी के विकार और विकर्म जागृत हो जाएंगे अब ये सब जागृत हो रहे हैं इसलिए मानसिक रोग युवकों पे दिखाई देता है इसलिए अनेक अच्छे आत्माएं भी ब्राह्मणों में एक्टिव हो रहे हैं विकर्म पूर्व जन्मों के योग से भाषण नहीं किया तो इफेक्ट डाल रहे हैं इन बहुत सारी समस्याओं के कारण ये भी हैं इसलिए हमें अच्छा योग करना है प्लान आप खुद बनाना लंबा चौड़ा नहीं फाइव पॉइंट प्लान सिक्स मंथ के लिए फिर आपको प्लानिंग करनी आ जाएगी और आगे बढ़ो इस पार्क का नाम भी रोशन करो अपने अपने सेंटर्स का नाम भी रोशन करो आप सबका जीवन ऐसा हो जाए कि दो चार को देख के ही सभी लोग श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्रेरणा लेने लगे आप चाहे माताएं हैं, हैं बुरा नहीं मानना टीचर बहने आपको देखकर टीचर बहने भी योगी बन जाए ठीक है <laughs> पसंद है ओम शांति वैसे साहब एक लास्ट प्रश्न है सूरज भाई जी ज्ञान में कैसे आएंगे मैं तो ऐसे तो ही चलते चलते आ गया था कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं योगी बनने के संकल्प थे बचपन से यहाँ से किताब छपी थी आठ दस पेज की योग की विधि पढ़ी योग लग गया हमारे अंकिल ज्ञान में थे दिल्ली में आए घर में प्रदर्शनी अंक समझा दिया सारा ज्ञान मिल गया हम ज्ञान में चल गए इतनी कहानी कृष्ण का जन्म कब होगा और उनके कारनेशन तक क्या संगमयुक्त चलेगा ये प्रश्न बहुत सुंदर भी है गुहे भी है लोगों के प्रश्न आते रहते हैं मुझे लगता है भाई जी श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है मैं उनसे पूछता हूँ ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनेंगे ना कि हाँ अभी तो ब्रह्मा का स्थापना का कार्य ही पूरा नहीं हुआ तो वो घर जाएंगे फिर श्री कृष्ण बनकर आएंगे ना एक बात दूसरा तमो प्रधान प्रकृति में तत्व ही प्रधान कहाँ है जो देवताओं के शरीरों का निर्माण हो तीसरी बात देवताओं को इन्हें पवित्र आंखों से नहीं देखा जा सकता चौथी बात आज भी सारा था जब श्री कृष्ण की आत्मा ऊपर से उतरेगी तो इतनी डिवाइन लाइट हो जाएगी कि नीचे वालों को पता चल जाएगा कि फर्स्ट प्रिंस आ गए हैं धरती जलमग्न हो जाएगी भारत की सेब पीपल के पत्ते की तरह रह जाएगी इसलिए कहावत है कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर के बीच आया तो अभी श्री कृष्ण के आने का जन्म नहीं है स्थापना का कार्य पूरा होगा ब्रह्मा की आत्मा घर जाएगी अब चाहे एक दिन रहे या एक साल रहे फिर नीचे आएगी तब श्री कृष्ण का जन्म होगा अर्थात 2036 के बाद फिर वो बड़े होंगे और इस संसार में थोड़ थोड़ा थोड़ा विनाश भी चलता रहेगा परिवर्तन मुरलियों में है ये सब साकार मुरलियों में बड़े होंगे संसार स्वर्ग बन जाएगा बहुत सारे लोग इसको स्थूल इस रूप से स्वर्ग बनाने में काम करेंगे सोना हीरे सब धरती से आ जाएंगे भूकंप होंगे ना माल सारा ऊपर पापी सब नीचे उनके ब्लड से धरती उपजाऊ हो जाएगी हमारे काम आएगी और जब वो बड़े होकर गद्दी पर बैठेंगे तब तक के समय को संगम युग ही कहा जाता है जब वो गद्दी पर बैठ गए वन 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 वहाँ से शुरू होगा सतयुग की शुरुआत होगी तो ये खेल चलेगा और क्योंकि श्री कृष्ण राजकुमार है तो उसका बाप क्या होना चाहिए राजा सम्राट वो भारत का अंतिम सम्राट होगा अभी तो डेमोक्रेसी है ये सब बदल जाएगी मैं तो साफ देख रहा हूँ डेमोक्रेसी समाप्ति की ओर जा रही है जातिवाद पर आ गया है इलेक्शन कार्यों पे नहीं योग्यताओं पे नहीं तो ये विस्फोटक स्थिति है प्रजातंत्र की निश्चित रूप से ये टर्न होगा तब देवताओं को जाएगा उसके बाप को मिलेगा भारत का राज्य लेकिन ये भारत नहीं तब तक बहुत सारी पाप आत्माएं विदाई ले चुकी होंगी ये खेल अब चलेगा तो श्री कृष्ण जब आएगा आपको पता लग जाएगा और आप हों हाँ, तो उसको जाके गोद में उठा लेना ओम चंद